नमस्कार दोस्तों, कार में यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। न्यूज रिव्यूज अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए और थोड़ी सी डिफरेंट चीजें अगर आपको जाननी है तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल नीचे होगी पुश कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके आए और ऐसी वीडियोज आप इंजॉय कर पाओ। दोस्तों आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाने की सोची मैंने, जैसे कि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबको पता है कि मेरे पास फिगो है। फिगो के बारे में आज मेरे पास ये तकरीबन 7 साल से है, तो इसके बारे में मैंने सोचा था कि काफ़ी इसके बारे में बातें भी हो रही थी कि क्या इस चीज़ के बारे में है। 4-5 चीज़ें हैं जो रेगुलर पूछी जाती हैं, उनके बारे में आज मैं बात करता हूँ कि क्या इसमें 5 ऐसी चीज़ें जो मेरे को बड़ी बुरी लगती हैं या जिनके लिए आपको तंग होना पड़ता है, मैं उस चीज़ के बारे में आज बात करता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों ये वीडियो मैं अनकट रखूंगा, जिसके अंदर कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगा कि कुछ बना के अपने तरफ से लिखा या बनाया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज, इसका जो DTE जिसको हम डिस्टेंस टू एम्प्टी बोलते हैं, अगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, उस पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि इसके साथ मैंने DTE या डिस्टेंस टू एम्प्टी का जो इसका जो मोड है उसके साथ मैंने इसकी माइलेज भी चेक की हुई है। तो दोस्तों उसमें मेरे को क्या वियर्ड चीज़ लगती है, उसमें वियर्ड चीज़ ये है कि इसमें रेगुलर आपको पता भी नहीं लगता कि कब ये गलत आपको इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देता है। हाँ, जो इसमें फ्यूल जो कम पड़ा है उसके बारे में बताएगा ये ठीक, लेकिन कितना भर गया तेल इसमें उसकी बड़ी प्रॉब्लम आती है। बाई चांस मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में 8 या 9 महीने हुए थे गाड़ी लिए को, तो मैंने फ्यूल भरवाया इसमें, बिल्कुल लो था फ्यूल इसमें, फ्यूल भरवाया इसमें, मैंने दिए 500 रुपये, तो फ्यूल भर गया इसके अंदर। उसके बाद इसमें से इसकी गेज ना उठे, कोई पता नहीं लग रहा कि इसमें कितना फ्यूल पड़ा है और कितना फ्यूल बैलेंस है, कि तेल डला भी इसके नहीं डला, फ्यूल डला के नहीं डला, बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद मैंने 500 रुपये का ऑर्डर लाया, तो इसके बाद एकदम से सुई इसकी ऊपर उठी, यानी कि फ्यूल गेज इसकी एकदम से ऊपर उठी। तो ये चीज़ बहुत ही वियर्ड है, इसके बारे में मेरे को पहले नहीं बताया गया था, तो मैंने सर्विस सेंटर में जाके पूछा, उन्होंने बताया कि ये एक फ्यूल गेज है इसकी, जो है वो खराब हो जाती कई बार, उसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा या तो बताना चाहिए या सर्विस में, रेगुलर सर्विस में भी इसको ऐड कर देना चाहिए कि ये चीज़ आपकी जरूरी है तो उसको करवा लो। खर्चा कुछ खास नहीं है, 900 से 1000 रुपये के बीच में खर्चा अभी भी इसका आता है। मैंने अभी भी लेटेस्ट ही 6 महीने पहले चेंज करवाई है, रेगुलर चेंज करवानी भी चाहिए हमें जब अगर हमारे पास फिगो है, और हमें ऐसी प्रॉब्लम बहुत आएगी फिर बाद में कि हमारे पास यहाँ पे फ्यूल दिखा रहा 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर का और इसके अंदर पड़ा है कम से कम 3 लीटर डीजल या 4 लीटर डीजल, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, ये एक थोड़ी सी दिक्कत लगती है दोस्तों मेरे को। नंबर 2 दोस्तों, जो इसका म्यूजिक सिस्टम है, नो डाउट उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सिस्टम बहुत अच्छा है बेसिक है, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो USB है, अब इसे USB की बात ऐसे है कि 2012 में जो गाड़ी आई थी उसमें USB लग के आया था, पहले USB होता नहीं था। इसमें ग्लव बॉक्स के अंदर एक अलग से वायर निकाल के USB की एक पोर्ट दे दी गई है, उसके अंदर आप अपना पेन ड्राइव लगाओ और ऑडियो का मजा ले सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत एक और है कि उसमें कई बार चलती नहीं है वो। अब ये मेरे वाली जो गाड़ी है इसका तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका, वो साल के करीब हो गया वो नहीं चलता, मैंने सर्विस सेंटर में भी दिखाया लेकिन उसका कोई हल नहीं है, म्यूजिक सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ एक और जुड़ी हुई है कि इसका ब्लूटूथ भी पेयर नहीं होता, कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, खासतौर से अब मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है इसमें, हालांकि काफ़ी सारी मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर लिए लेकिन कोई बात नहीं बनी, वो एक दिक्कत इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए दोस्तों एक मैं सुजेशन और दूंगा आपको, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि गाड़ी का जब हम कहीं से भी इलेक्ट्रिकल पार्ट को छेड़ते हैं तो उसके बाद इसका जो कोड होता है, एक ऑडियो का एक कोड होता है, वो कहाँ से जनरेट होगा उसका पता ही नहीं लगता। तो दोस्तों उसके लिए या तो आपके पास जो इसकी बुकलेट होगी, JVC का ये लगा हुआ है, इसके जो बुकलेट होगी उसके अंदर पासकोड दिया हुआ होता है, नहीं तो आप सर्विस सेंटर जाइए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे आपकी गाड़ी के नंबर के हिसाब से या रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, कुछ कोडिंग होती होगी इसकी, उसके हिसाब से वो प्रोवाइड कर देंगे। नंबर 3 दोस्तों, तीसरे नंबर पर दोस्तों इसकी है जो गियर लीवर, बहुत रबड़ी हो चुका है, नोची हो जाता है कई बार, उसके लिए रेगुलर आपको सर्विस करवानी पड़ेगी। अब मेरे को यूज टू होने में भी आपको टाइम लग जाए, अभी भी मेरे को थोड़ा रबड़ी लगता है, लेकिन जो इसका पार्ट 2 है वो उसके सारी चीज़ों को दूर कर देता है। लेकिन अगर मैं एज कंपेयर टू स्विफ्ट बोलूँ आपको, तो वो थोड़ा सा नोची तो है, ये थोड़ा रबड़ी है ये, तो ये थोड़ी सी मेरे को वियर्ड लगती चीज़ इसकी। जब हम इसको भगाएंगे या इसकी पिकअप देखें तो सारी ये हमारी टेंशनें दूर हो जाती हैं, सारी हमारी ये शिकायतें दूर हो जाती हैं,
बट जो प्रॉब्लम लगती है, मैं उसकी सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि जो ये मेरी वीडियो है इसकी बहुत सारी क्रिटिक्स भी बोलेंगे इसके बारे में, बहुत आलोचना होगी इसकी, लेकिन जो सही है वो सही है। मेरे को जो अच्छी चीजें लगती हैं उसके लिए तो दो तीन वीडियो बना दी है, लेकिन जो चीज बुरी लगती है वो भी तो बनाऊ। नंबर चार दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो हैवी है, तो काफी गाड़ी मैंने और भी चलाई है, लेकिन इस गाड़ी का पर्टिकुलर इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील ऐसे नहीं लगता कि जैसे आप स्लो स्पीड पे चला रहे हो तो स्टेयरिंग व्हील थोड़ा लाइट लगना चाहिए, तो नहीं है, ये जैसे अब है वैसे ही आपको हाई स्पीड पे भी लगेगा, हैवी ही रहेगा। इसकी खासियत आपको हाई स्पीड पता लगती है, लो स्पीड पे आपको ऐसे लगेगा काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, ऑलमोस्ट मैनुअल जैसे फील होता है स्टार्टिंग में, तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। पांचवी दिक्कत दोस्तों, जो इसका बोनट ओपनर है उसकी दोस्तों जो लीवर है वो बहुत नाजुक प्लास्टिक का बना हुआ है, मेरे को दो बार चेंज कराना होगा, तीसरी बार तो मैंने जुगाड़ी कर दिया उसका। किसी कहीं अगर फीगो है तो उनको पता होगा कि ये अगर हम इसको बोनट को खोलते हैं तो इसका एक नॉब बाहर आती है, प्लास्टिक का लीवर से बाहर आता है, उसको खींचो तो बोनट उठेगा ऊपर, वो जो हम खींचते हैं तो कई बार फंस जाता था बीच में और प्लास्टिक की पार्ट है वो टूट जाता है, और अगर वो बीच में टूट गया तो बोट तो खुलेगा ही नहीं, फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, किसी को बुलाओ प्लस पे इसका से उसका जुगाड़ करवाओ तब वो जाकर खुलेगा। ये चीज थोड़ी सी दोस्तों मेरे को ये भी थोड़ी वियर्ड लगती है, बाकी अब जुगाड़ कराने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने उसके में वो लोहे की तार से उसका जुगाड़ करवाया, तो कोई ऐसी परेशानी अब आ नहीं रही। खासियतें दोस्तों ढेर सारी इस गाड़ी के अंदर, मगर ये पांच चीजें हैं, थोड़ा अलग सा वीडियो बनाने की सोची मैंने, पांच चीजें हैं थोड़ी सी मेरे को गड़बड़ लगती है इसके अंदर, तो बताइए आपको कैसी लगी ये चीजें। प्लस पॉइंट मैंने बताई दी आपको, स्टेयरिंग व्हील अगर इसका हैवी है तो हाईवे पे तो बहुत अच्छी चीज परफॉर्म भी करता है। लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे तंदुरुस्त रहे। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जय हिंद। अब थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो गया, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे आपको काफी सारी और चीजें, और बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज जरूर दबा देना यार, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।